ये मोदी जी बिल्कुल 100% फेल है। वो एक फैसला नहीं 40 दिन में ले पाया, तो ये दो चार फैसले ऐसे आ गए उसके बस की बात। उसकी जो व्यवस्था है ना वो बिल्कुल बेकार है। मोदी की व्यवस्था कहने के त्रस्त होती है। हाँ जी सारी, हम तो ये कहते हैं, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा कि जय जवान जय किसान वाला नारा। किसानों का समर्थन देने के लिए लगातार अलग अलग संस्थाएं और सैनिक पहुंच रहे हैं, देश के जवान पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही बुजुर्ग किसान है जो कि आज खटखट टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं, किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले इनका हम नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शिवराम सिंह है, गांव डाणी है, और मैं जिला जींद से पंजाब से हूँ, और मैं किसानों का हमायती रहा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 77 ईयर। 77 ईयर। ठंड भी बढ़ रही है, कैसे आप टिक पाओगे? नो ना जी, ये नहीं कहना, ये तो मैं बर्फ में रह लिया और उसमें रह लिया, मैं फौजी हूँ। हाँ, मुझे इस बात की चिंता नहीं। फौजी का खून कहीं ना कहीं गर्म होता है। नहीं, पिछले बार डीसी साहब ने जफ्फा पा लिया मेरे को, मैं लिख रहा था, सलूट मार रहा था, बोला क्या हुआ, मगर जी जोश आ गया, तो हमें तो जोश तो आता ही है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी बिल्कुल 100% फेल है। वो एक फैसला नहीं 40 दिन में ले पाया, तो ये दो चार फैसले ऐसे आ गए उसके बस की बात नहीं की, तो हम उसको चाहते हैं कि वो छुट्टी करे। आपसे, आप बुजुर्ग हो और आपसे भी बुजुर्ग बुजुर्ग, यहाँ तक कि आपसे जवान जवान भी, आपके बेटे बच्चे सभी बैठे, पूरा खानदान रोड पर बैठा हुआ है, फिर भी मोदी सरकार किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बच्चे से बच्चा बैठा हुआ है, बूढ़े से बूढ़ा बैठा है, जवान भी बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको? वो बेकार है, उसकी जो व्यवस्था है ना वो बिल्कुल बेकार है। मोदी की व्यवस्था कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही। हाँ जी सारी, हम तो ये कहते हैं, मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा कि जय जवान जय किसान वाला नारा लेके चलेंगे, हमें ठोक तो दो कि दे, गल फट लेंगे हम तो उसका। आप जैसे बुजुर्ग किसानों को सरकार खालिस्तानी बताने का काम करती है, कहते हैं खालिस्तान से आए हैं, खालिस्तान से इनके पास फंड आ रहा है, क्या कहोगे आप? मैं पटवारी लगने से पहला यहाँ पर, मेरे को 4 महीने सारा हरियाणा रोक दिया था डीसी जींद ने, कि उग्रवाद थी उस टाइम में, तो हम उग्रवादी नहीं है, उग्रवाद का वास्ता ही नहीं है जी, तो हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार खेत हैं मेरे पास, इनके पास सब, हम तो एक्समैन होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते, इस धरती से मिट्टी से हमने नमन का करते हैं, तो हम तो इसके लिए सब कुछ करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इतना टाइम देने के लिए। हमारे साथ में बुजुर्ग किसान थे, 77 साल की इनकी उम्र है, और किसानों को समर्थन देने के लिए जो बुजुर्ग साथी हैं, बुजुर्ग किसान हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लगातार जुड़े रहिए नवराष्ट्र भारत के साथ। मैं सनीनाथ कैमरा पर्सन राम निवास के साथ, नवराष्ट्र भारत।